हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। पंजाब मास्टर कैडर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं 2016 का। कुछ मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके फोन में फर्स्ट वीडियो वर्क नहीं कर रही है, तो इसी वीडियो के अंदर लास्ट में फर्स्ट वीडियो को अटैच कर दिया है। तो जिनके फोन में वर्क नहीं कर रही थी वो इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिन्होंने देख ली है वो वीडियो, दे कैन स्किप दैट पार्ट। And our first question is, in which of the following Rolle's theorem can be applied? हमें functions दे रखे हैं options के अंदर और बताना है कि Rolle's theorem कहाँ apply हो रही है। Rolle's theorem की तीन conditions होती हैं। First condition, f(x) must be continuous on closed interval ab. Second condition, f(x) डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन, f(a) इज इक्वल टू f(b) होना चाहिए, एंड देन रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है। तो हम चेक कर लेते हैं, जो फंक्शन ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कराएगा वहां थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो ऑप्शन वन में देखते हैं। ऑप्शन वन, fx इज इक्वल टू 10x इन 0 टू पाई दिया है हमें। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, fx कंटिन्यूअस ऑन ए बी, तो 10x कंटिन्यूअस होना चाहिए 0 टू पाई पे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस ही होते हैं, बट 10x इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए, यहां हर पॉइंट पे, इसके बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पाई बाय टू भी आ रहा है, और टेन पाई बाय टू पे डिफाइन ही नहीं होता, इन्फिनिटी आ जाता है, तो टेन पाई बाय टू डिफाइन ही नहीं होता तो कंटिन्यूटी की बात तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट दिस पॉइंट, तो फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं हुई, तो इसका मतलब यहां रोल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी में एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 1/x दिया है, एंड हमें इंटरवल दिया -1 to 1। यहां भी सिमिलर थिंग्स होंगी, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कोस एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हमें यहां कोस 1/x दिया है। कोस 1/x 0 पे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, यहां इन्फिनिटी हो जाएगी और कोस इनफाइनाइट तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 इस इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी यहां से गलत हो जाएगा, ये भी फर्स्ट कंडीशन को ही होल्ड नहीं कर रहा। एंड ऑप्शन सी में हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2, 3। फर्स्ट कंडीशन पॉलिनोमियल है, होल्ड हो जाएगी, डिफरेंशिएबल है, होल्ड हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस भी होती हैं और डिफरेंशिएबल भी होती हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे साइन एक्स है, यहां पे साइन एक्स स्क्वायर हो जाए, ये भी हो जाएगा, साइन यहां पॉलिनोमियल हो एंड कोस पॉलिनोमियल हो, तब ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पॉलिनोमियल को तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जब कोई फंक्शन 1/1 में आ जाता है तो वहां हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है ये कंटिन्यूटी चेक करने में, क्योंकि वहां कुछ ऐसे रूट्स मिल जाते हैं जिन पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये तो सिंपली पॉलिनोमियल है, तो यहां इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो थर्ड कंडीशन देखते हैं, एफ एट ए, यहां ए 2 दे रखा है, एफ एट 2 ये 2 स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, एफ एट 3 ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं हुए। ऑप्शन सी भी यहां से गलत हो गया, तीन ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया, वैसे ही होल्ड हो भी जाएंगे, आप चेक करके भी देख लेना, और ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर पी साइन 1/x वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये
जीरो दे रखा है। वो कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, इफ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो, ये दोनों इक्वल हो जाएं एंड बोथ एग्जिस्ट करें। कई बार इक्वल हो जाते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इक्वल होने का भी कोई फायदा नहीं है। एग्जिस्ट भी करने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो हम यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए ये बन जाएगा, एट जीरो चाहिए हमें, तो एफ डैश एट जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, ये जीरो माइनस एच हो जाएगा। वैसे यहां सी होता तो हम सी माइनस एच कर देते हैं, लेकिन हमें जीरो पे गिवन है तो यहां जीरो माइनस एच हो जाएगा, माइनस एट जीरो ओवर माइनस ऑफ एच। तो यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन एट माइनस ऑफ एच, तो वैल्यू रखेंगे माइनस ऑफ एच पावर पी साइन वन ओवर माइनस ऑफ एच। एट जीरो पे जीरो ही गिवन है तो ये जीरो एंड माइनस ऑफ एच, ये माइनस ऑफ एच हो जाएगा। यहां से माइनस वन पहले लिमिट लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन पावर पी, एक माइनस यहां से बाहर आ जाएगा और एक ये माइनस, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और एच पावर ऊपर लिखते हैं हम पी माइनस वन एंड साइन वन ओवर एच, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश एट जीरो, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एट जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन एट जीरो ओवर एच। अब यहां फंक्शन पुट करेंगे तो बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन एट एच, तो ये बनेगा एच पावर पी साइन वन ओवर एच ओवर, ये तो जीरो ही और ये एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये बन जाएगा एच पावर पी माइनस वन एंड साइन वन ओवर एच। अब ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे और दोनों एग्जिस्ट भी करेंगे। तो अब हम बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि पी की क्या वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पी ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड में दिया है पी इज इक्वल टू जीरो, थर्ड पी ग्रेटर देन वन एंड पी इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑप्शन। तो हम पी इज इक्वल टू वन के लिए पहले चेक कर लेते हैं। यहां से फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों का काम एक साथ हो जाएगा, अगर वन पे हुआ ही नहीं तो फर्स्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फोर्थ भी। तो सबसे पहले हम पी इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। यहां करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पी को वन रखेंगे तो एच जीरो हो जाएगा, ये एच की पावर जीरो हो जाएगी, वन माइनस वन समथिंग पावर जीरो वन एंड साइन वन ओवर एच हो जाएगा। और जब हम यहां जीरो रखेंगे साइन इंफिनिटी हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, तो दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल भी होने चाहिए और एग्जिस्ट भी करने चाहिए, लेकिन ये डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, इसका मतलब पी वन नहीं हो सकता। तो यहां से ऑप्शन ए भी गलत हो गया क्योंकि पी ग्रेटर देन जीरो और हम एक पॉइंट लेकर के चेक कर रहे हैं तो ये भी तो ग्रेटर देन जीरो ही होता है, तो यहां से ऑप्शन वन भी खत्म और ऑप्शन डी भी यहां से खत्म हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव पी इज इक्वल टू वन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब हम ऑप्शन सी एंड बी चेक कर लेते हैं। एट जीरो करेंगे जब तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या बनेगा, पी को जीरो देन ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पी को जीरो करेंगे एच इनवर्स साइन वन ओवर एच हो जाएगा ये, एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये बन जाएगा वन ओवर एच साइन वन ओवर एच। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये भी डिफाइन नहीं होगा, तो
तो इसका मतलब जीरो पे भी डिफाइन नहीं है p इज इक्वल टू जीरो पे, और यहां से b ऑप्शन भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन c यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा अगर p ग्रेटर देन वन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन लिमिट फाइंड आउट करनी है लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स। तो यहां बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड अब हम यहां लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो यहां बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x को वन माइनस h रख देंगे हम, तो यहां वन माइनस h हो जाएगा। एंड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो का नेबरहुड लेना है, यहां जीरो के नेबरहुड में कहीं भी, जैसे यहां जीरो है और यहां वन है, यहां वन में से कुछ माइनस करेंगे, जब हम वन माइनस कुछ भी जीरो का नेबरहुड 0.1 0.2 कुछ भी ले सकते हैं हम, जस्ट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही सॉल्व करना है। 0.1 लेंगे तो वन में से माइनस हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, अगर हम छोटे से छोटा पार्ट भी माइनस करें तो ये इस तरफ आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने के लिए उसका लेफ्ट जो इंटीजर होता है वही लिया जाता है, तो इसका जो बनेगा वो इंटीजर जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो जीरो आ गई, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x को हम ले लेंगे वन प्लस h, तो ये वन प्लस h हो जाएगा। जीरो का नेबरहुड जब हम लेंगे यहां वन प्लस, यानी कि वन में कुछ ऐड हो रहा है तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो उसका जो लेफ्ट बनेगा वो वन बन जाएगा, इंटीजर वन बन जाएगा। दोनों इक्वल नहीं आई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस रूट थ्री कोस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट दिस वन इज f थीटा है ये, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं, यहां वन ओवर टू लिखते हैं साइन थीटा प्लस रूट थ्री ओवर टू कोस थीटा। यहां हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन भी हो जाएगा साइन थीटा, और यहां इसे लिख देते हैं कोस पाई बाय थ्री प्लस कोस थीटा, और इसे लिख देते हैं साइन पाई बाय थ्री। फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा प्लस पाई बाय थ्री। अब साइन कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो वैल्यू है ये पाई बाय टू हो जाएगी, पाई बाय टू पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है वन, तो इसका मतलब थीटा प्लस पाई बाय थ्री को पाई बाय टू होना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस करेंगे तो पाई बाय सिक्स, एंड ये हो गया हमारा 30 डिग्री, एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस मोड ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, अगर हम यहां इक्वालिटी लगाते हैं तो इंक्रीजिंग होता है, एंड एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, और जब यहाँ इक्वालिटी आ जाती है तो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो हम यहाँ डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले तो यहाँ मोड दे रखा है, मोड को सोल्व कर लेते हैं,
एफ डैश एक्स करने के लिए पहले इसे पीस वाइज ही डिफाइन कर लेते हैं हम। जीरो पे ब्रेक हो जाएगा ये, एक्स ओवर वन माइनस एक्स हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो के लिए, एंड एक्स वन प्लस एक्स हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। अलग अलग से हम इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। तो ये बनेगा, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो वन माइनस एक्स ये स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स एंड वन माइनस एक्स एंड माइनस वन, ये बनेगा माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट, वन ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये व्हेन एक्स लेस देन जीरो। अब हम डेरिवेटिव ही कर रहे हैं व्हेन ग्रेटर देन जीरो, वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस एक्स यहां वन माइनस एक्स एंड यहां वन, ये बनेगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो। अब डेरिवेटिव यहां इस वाले पोर्शन का तो ये आ रहा है और यहां ये आ रहा है, तो देखिए यहां भी स्क्वायर टर्म है, यहां भी स्क्वायर टर्म है, तो ये जो बनेगा ये भी ग्रेटर देन जीरो बनेगा हमेशा, और ये भी ग्रेटर देन जीरो बनेगा हमेशा, क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, दोनों पोर्शन इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वैसे तो ये डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वो फॉर्मूला अप्लाई करके ही करें, इस तरह से भी चेक हो जाती है। जैसे एट जीरो पे देखना है, ये हमने यहां इस पोर्शन का डेरिवेटिव किया, यहां इसका डेरिवेटिव किया, एट जीरो एक्स को जीरो रखो, यहां भी क्या आएगा वन, एंड यहां भी जीरो रखेंगे तो ये भी बना जाएगा, इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आ जाते हैं डेरिवेटिव्स, तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, एट जीरो पूछा है उन्होंने तो एट जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन डी दो, वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल कहा है, एंड ए बी सी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू रूट ऑफ साइन एक्स ओवर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो हम इसे आई लिख लेते हैं, यहां पे जो इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं वो अप्लाई कर देंगे जो लिमिट वाले, तो उसमें जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डीएक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम यहां ये वाला जो रूल है वो अप्लाई कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो टू ए, यहां हमारे पास पाई बाय टू है, f एट a माइनस x, यानी कि x को किस में रिप्लेस करना है, a माइनस x अपर लिमिट माइनस x, तो यहां बन जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस x ओवर साइन पाई बाय टू माइनस x प्लस कोस पाई बाय टू माइनस x, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स ओवर ये भी कोस एक्स प्लस यहां साइन एक्स। अब ये भी आई है ये भी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड्स ऐड हो जाएंगी एंड राइट साइड्स भी ऐड हो जाएंगी, तो आई प्लस आई तो टू आई हो जाएगा। अब इस तरफ से जब हम ऐड करेंगे एक ही लिमिट में लिख देते हैं क्योंकि लिमिट्स तो सेम ही है, और देखिए इनका डिनोमिनेटर भी सेम है तो ऐड ही कर देते हैं, साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स ओवर भी बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स एंड डीएक्स, कैंसल आउट, टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, यहां वन हो जाएगा वन डीएक्स, टू आई इज इक्वल टू ये एक्स जीरो टू पाई बाय टू, लिमिट अप्लाई करेंगे टू आई इज इक्वल टू ये पाई बाय टू हो गया, लेकिन हमें तो आई की वैल्यू लेनी है तो टू से डिवाइड हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाय
फोर बन जाएगा और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स एक्स पावर एक्स इज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे वाई ले लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ लोग लेंगे, डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल हो देन लोग लेके सॉल्व करना होता है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, ये एक्स आगे आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा ये, एंड देन हम डेरिवेटिव कर देंगे, लॉग वाई का बनेगा वन ओवर वाई एंड वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एंड एक्स का वन हो जाएगा, यहां से ये कैंसल आउट हो गया एंड डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा वाई, ये इस तरफ आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, वाई की जो वैल्यू है एक्स पावर एक्स है वो हम पुट कर देंगे एक्स पावर एक्स, वन को लिख देंगे लॉग ई प्लस लॉग एक्स और यहां बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन और ये होता है लॉग एम एन, तो ये बनेगा लॉग ई एक्स और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स ओवर वन प्लस कोस एक्स देन dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन 2017 में भी आया है, रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, यहां हम पहले ही से सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स को लिख देंगे टू साइन एक्स ओवर टू एंड कोस एक्स ओवर टू ओवर, ये बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स ओवर टू, टू से टू कैंसल आउट, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां से ये बन जाएगा टेन एक्स बाय टू, यहां साइन एक्स बाय टू रह गया और यहां कोस एक्स बाय टू, तो ये टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, ये कैंसल आउट एंड वाई इज इक्वल टू हमारे पास एक्स ओवर टू रह जाएगा और यहां से हम डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेंगे, तो ये वन ओवर टू हो जाएगा एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस टी और हमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, इसके लिए पहले डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि वाई भी टी का फंक्शन है एंड एक्स भी टी का फंक्शन है, देन डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा एंड डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो देखिए डी वाई ओवर डी टी क्या बनेगा, यहां ए कॉन्स्टेंट है वन का जीरो एंड दिस वन इज माइनस ऑफ साइन टी, ये बन जाएगा एंड डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए यहां कॉन्स्टेंट एंड वन माइनस कोस टी और ये दोनों वैल्यूज हम यहां रख देंगे, ये बनेगा माइनस ऑफ ए साइन टी ओवर ए वन माइनस कोस टी, ए से ए कैंसल आउट एंड माइनस, अब यहां इसे ओपन कर देंगे टू साइन टी ओवर टू एंड कोस टी ओवर टू और यहां ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर टी ओवर टू में, ये कैंसल आउट टू से टू कैंसल आउट एंड माइनस ऑफ कोस टी ओवर टू एंड साइन टी ओवर टू रह जाएगा यहां एंड माइनस ऑफ कोट टी ओवर टू बन जाएगा ये और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टी क्यूब देन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड डी वाई ओवर डी एक्स के लिए डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी थ्री टी स्क्वायर एंड ओवर टू टी, अब यहां से थ्री ओवर टू टी हो जाएगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो ये बनेगा थ्री ओवर
टू एंड टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम यहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इसे हम लिख लेंगे वन ओवर डी एक्स ओवर डी टी, थ्री ओवर टू एंड वन ओवर डी एक्स ओवर डी टी, ये टू टी हो जाएगा एंड ये बनेगा थ्री ओवर फोर टी, और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, या फिर यहां टी इलिमिनेट करके दोनों को सिंप्लीफाई करके पहले फिर वाई एंड एक्स में फंक्शन बन जाएगा, और यहां से भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये एक्स को रूट एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ये टी की वैल्यू वाई में रख देते हैं, वाई इज इक्वल टू बन जाएगा रूट ऑफ एक्स पावर थ्री, यानी एक्स पावर थ्री ओवर टू, अब वाई एंड एक्स में फंक्शन हो गया, इसे सेकंड डेरिवेट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है, तो डीवाई ओवर डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई ओवर डी एक्स होता है, तो डेरिवेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो डायरेक्ट यहां हम एक्स को वन रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ टू यहां वन, ये माइनस टू हो जाएगा एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डीवाई ओवर डी एक्स, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर पूछा हो तो वन ओवर माइनस ऑफ डीवाई ओवर डी एक्स हो जाता है। दिस वन इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड दिस वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम यू ले लेंगे, ये बन जाएगा यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड इसे वी ले लेते हैं, ये बनेगा कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, अगर डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो उसे यू भी ले लो, थोड़ा इजी रह जाता है, तो हमें फाइंड करना है डी यू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वी, ये हो जाएगा, तो पहले तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों एक्स के फंक्शन है, यू भी एक्स का फंक्शन है एंड वी भी एक्स का फंक्शन है, तो ये डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा एंड डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हम यहां से डायरेक्ट ले लेंगे, डी यू ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वी ओवर डी एक्स, इसे जब हम सॉल्व करेंगे यहां एक्स को साइन थीटा पुट कर देते हैं, v बन जाएगा कोस इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस इनवर्स ये कोस थीटा हो जाएगा, और यहां से हमारे पास आ गया थीटा, और यहां थीटा की क्या वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से dv ओवर dx बन जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी यू ओवर डी एक्स की भी वैल्यू है एंड डी वी ओवर डी एक्स की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज यहां रख देते हैं, तो देखिए ये क्या बनेगा डी यू ओवर डी एक्स वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वी ओवर डी एक्स भी क्या है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एंड यहां से वन हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन ओवर एन स्क्वायर प्लस टेन, इस लिमिट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू एन टर्म्स देख लेंगे क्या होता है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है एन एन प्लस वन ओवर टू, तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहां एंड ओवर हमें दिया है एन स्क्वायर प्लस टेन, और ये लिमिट अप्लाई करेंगे यहां से बन जाएगा ये एन स्क्वायर प्लस एन हो गया एंड टू एन स्क्वायर प्लस टेन, डायरेक्ट जब हमें इंफिनिटी अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले तो जो हाईएस्ट पावर है से बाहर ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते, ये बन जाएगा एन स्क्वायर बाहर आ गया वन प्लस वन ओवर एन हो जाएगा यहां एंड एन स्क्वायर यहां से ले लेंगे
टू ऑलरेडी बाहर है, 1 + 10/(n)² हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां 1/(∞), 1/∞ 0 हो जाता है, यहां 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया, देन 1 रह गया, 1 + 0 1, एंड यहां 2, ये भी 0 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमें जेकोबियन कर्ल एक्स वाई ओवर कर्ल आर थीटा फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ है, काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो प्रीवियस ईयर करने का काफी बेनिफिट हो जाता है। जब हम जेकोबियन ओपन करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ये कर्ल एक्स ओवर ये कर्ल आर, पहले एक्स का ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, एंड देन वाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करेंगे, एक्स आर कोस थीटा, देन कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे आर का 1 एंड कोस थीटा एज इट इज बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट, एंड कर्ल एक्स ओवर कर्ल थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ आर साइन थीटा क्योंकि आर कांस्टेंट है। कर्ल वाई ओवर कर्ल आर बन जाएगा आर का 1 एंड यहां साइन थीटा, एंड कर्ल वाई ओवर कर्ल थीटा हो जाएगा आर कोस थीटा। अब हम यहां वैल्यूज रख देंगे तो ये बनेगा कर्ल एक्स ओवर कर्ल आर कोस थीटा, एंड कर्ल एक्स ओवर कर्ल थीटा माइनस ऑफ आर साइन थीटा, एंड यहां साइन थीटा एंड आर कोस थीटा। एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा आर कोस स्क्वायर थीटा, एंड दिस वन इज प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन आ जाएगा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा तो आर हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो हमें फंक्शन दिया था इसका जेकोबियन आर, और ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन ई पावर लॉग साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, ई एंड लॉग तो एंटी होते हैं तो यहां से ये तो खत्म ही हो जाएंगे, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही बड़ा दिखाने के लिए लिखा है, तो यहां से डायरेक्ट साइन एक्स हो जाएगा और सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा ये, माइनस ऑफ कोस एक्स, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन कोस एक्स हो जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इन्होंने ऑप्शन में पी लिखा है, कॉन्स्टेंट है कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, प्लस पी लिख दो सी लिख दो, तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। ई एंड लॉग यहां से वैसे ही खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल ये इजी डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू, अगर हमें इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए दे रखी हो और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, ये तो चलो साइन एक्स है जिसका इंटीग्रेशन करना इजी है, कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ पे एफ एक्स दे रखा हो और माइनस ए टू ए लिमिट दे रखी हो, तो यहाँ एफ एक्स को इवन ओड फंक्शन चेक कर लो, अगर फंक्शन इवन है, एफ एक्स इज इवन, देन टू ऑफ ए जीरो सॉरी जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स हो जाता है, इसे सॉल्व कर लो, अगर एफ एक्स इज ओड है देन यहां डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का आंसर जीरो हो जाता है, तो आसान रहता है पहले इवन ओड चेक करना, तो इवन ओड चेक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करो, एफ माइनस ऑफ एक्स, अगर एफ एक्स आए तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन, एंड एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स आए ये बन जाएगा ओड फंक्शन। इसी सेम रूल पे 2017 में भी क्वेश्चन आ रखा है, बस यहां मोड लगा है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, तो यहां हम
चेक कर लेते हैं, जब हम एफ एक्स के अंदर एफ माइनस ऑफ एक्स करेंगे, हमारे पास एफ एक्स साइन एक्स है, माइनस ऑफ एक्स करेंगे ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, तो फंक्शन ओड हुआ, ओड फंक्शन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पूरे इंटीग्रेशन का, जीरो। अगर यहाँ इवन होता तो हम जीरो टू ए लेकर के इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते, लेकिन हमारा फंक्शन ही ओड आ रहा है, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स में रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स बनेगा जब, तो माइनस बाहर आ जाता है साइन का, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, और यहां से फंक्शन ओड होते ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टू एंड जीरो टू थ्री एंड जीरो टू फोर डीएक्स डीवाई एंड डीजेड, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये जो लिमिट्स हैं ये एक्स की हैं, ये सेकेंड नंबर पे वाई की हैं एंड देन जेड की हैं। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, बाकी इंटीग्रेशन एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे वन है तो इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे ये डीवाई डीजेड हो जाएगा, एंड जीरो टू टू एंड जीरो टू थ्री जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये फोर माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ फोर हुआ फोर डी वाई डी जेड। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा जीरो टू टू एंड फोर वाई अप्लाई करेंगे लिमिट्स एंड यहां डी जेड, और अब बन जाएगा जीरो टू टू फोर थ्री, फिर तो जीरो से ही मल्टीप्लाई करना है, वो तो जीरो ही हो जाना है डी जेड, तो ये 12 हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट कर देंगे, 12 जीरो टू टू डी जेड, देन बनेगा 12 जेड जीरो टू टू एंड ये बन जाएगा 24, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।